तो जी हम पहुंच चुके हैं शेरों के पास। यार कुछ लोग कहते हैं कि शेर हैं, कुछ लोग कहते हैं ये इन्होंने बिल्ले बनाए हैं। देखें लगते तो ये बिल्ले टाइप ही हैं। और बहुत बड़े बड़े और बड़े खूबसूरत किस्म के बनाए हैं। और ये इन्होंने बड़ी प्यारी चीज़ बनाई, देखें ये लाइक जैसे वो अहराम मिस्र में है ना, उसके अंदर की जो पूरी उन्होंने हिस्ट्री लिखी हुई है, तो ये भी इन्होंने वैसी ही लिखी है। ठीक हो गया, वैसे ही लाइक उसकी कॉपी की है, बनाया है, लाइक लिखी तो नहीं है लेकिन उसको बनाया कह सकते हैं। तो वो उसका भी आप लोगों को आइडिया ही होगा कि क्या सूरत हाल थी उसकी। और ये बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था, देखें जैसे ये बने हैं, ये देखें ये आगे भी आपको कहते हैं, ये भी देखें ऐसे बने हैं, ये जैसे ये बंदा बनाया हुआ है, इसके ऊपर ये कुछ निशानात बनाए हुए हैं। इनके बनाने का मकसद ये था, जहाँ तक मेरे इल्म में है, अब पता नहीं गलत है या सही है, कि ये इसलिए बनाया गया है कि अगर वो अपनी लाइक उस ज़माने में अगर अपनी लैंग्वेज में लिखते, ठीक है, यहाँ पे लाइक ये एक बंदा इसकी तारीख लिखते कि बंदा क्यों खड़ा है या क्या है, ग़ुलाम है क्या है या बादशाह जो भी है, तो उसमें ये होता कि हर 200-300 साल के बाद एक लैंग्वेज ख़त्म हो जाती है, सुनने में ये आया, ठीक हो गया, या कुछ हज़ार या 1000 साल के बाद वो लैंग्वेज ख़त्म हो जाती है। तो अगर उनकी लैंग्वेज ख़त्म हो जाती तो ये चीज़ इनकी ना पहुंच पाती, तो इसलिए बनाया कि हर इंसान इसको देख सके। अब देखिए कितने हज़ार साल हो गए, अगर वो अपनी ज़बान में लिखते तो हमें उसकी ज़बान समझ ना आती। तो आज हमें देखें ये समझने के लिए, ठीक है, ये इन्होंने इस तरह की चीज़ें बनाई थी और हम उसको ईज़िली जो देख के वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या है ये, क्या कहना चाह रहा है या क्या हिस्ट्री थी, क्या तारीख थी। तो ये सिटी हाउसिंग वालों ने जिस तरह से बनाया माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत और बड़ी प्यारी, बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने ये चीज़ें बनाई हैं। जी हम खड़े हैं बिल्कुल इसके एंट्रेंस के सामने, बड़ी खूबसूरत इन लोगों ने एंट्रेंस दी है, चेक कर सकते हैं।